आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया की कथा और उसको सुनने का महत्व। आप भी सुन सकते हैं जब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सुनने के लाभ डेफिनेटली होंगे, इसलिए पूरा सुनिएगा। अभी अक्षय तृतीया 18 अप्रैल 2018 को है, बुधवार का दिन है। अक्षय तृतीया की कथा सुनने तथा विधि से पूजा करने से बहुत लाभ होता है। इस कथा का पुराणों में भी महत्व है। जो भी इस कथा को सुनता है, विधि से पूजन और दान आदि करता है, उसे सभी प्रकार के सुख संपत्ति धन यश वैभव की प्राप्ति होती है। इसी धन और यश की प्राप्ति के लिए वैश्य समाज के धर्मदास नामक व्यक्ति ने अक्षय तृतीया के महत्व को जाना। कथा सुनिए, हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। बहुत पुरानी बात है, धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था, बहुत गरीब था। वो हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर उसने गंगा में स्नान किया, फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और आरती की। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्हें कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने इसी विधि से इस दिन पूजा और दान कर्म यादि किए। बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानी भी उसे उसके व्रत से विचलित नहीं कर पाई। इस जन्म के पुण्य प्रभाव से धर्मदास ने अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में जन्म लिया। कुशावती राजा बहुत ही प्रतापी थे। उनके राज्य में सभी प्रकार का सुख धन, सोना, हीरे, जवाहरात, संपत्ति की किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को वैभव और यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वे कभी लालच के वश में नहीं हुए और अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्हें उनके अक्षय तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहा। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा और दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति होती है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।